देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खंडवा रोड कैंपस कमला नेहरू हॉस्टल में कर्मचारियों द्वारा शर्मनाक कृत्य पर कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिया गया। गर्ल्स हॉस्टल में सफाई कर्मी कर्मचारी द्वारा बाथरूम में छात्रा को नहाते हुए देखने का शर्मनाक कृत्य सामने आया है, जिसको लेकर डीएवीवी में ज्ञापन दिया गया है। गर्ल्स हॉस्टल में शर्मनाक कृत्य पर वहाँ मौजूद अन्य छात्रों ने शोर मचाया, जब उक्त सफाई कर्मी अपने एक अन्य साथी के साथ वहां से भाग निकला। उक्त घटना के बाद से ही हॉस्टल की छात्राओं में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यदि कभी ऐसा करते हुए किसी छात्र का वीडियो बना लिया हो तो उसको भविष्य में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं शहर के अंग्रेज कार्यालय इंदौर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रकरण दर्ज करवाने एवं उसकी जांच कराए जाने के लिए ज्ञापन दिया, जिसे कोई वीडियो कॉपी में बनाया भी हो तो उसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। साथ ही गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष कर्मचारी के कार्य करने जैसी गंभीर लापरवाही पर सख्त कार्यवाही करने में जिम्मेदार वार्डन एवं सख्त कार्यवाही की जाए। और इनिशियल जो बताया गया अंकित नाम बताया गया था, और हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वो उसका नाम अंकित है और पूरा कंप्लीट नाम क्या है। जो भी छात्राओं की जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें वो छात्रा ये उसके द्वारा ये बताया गया था कि वो वहाँ स्नान कर रही थी और वो पीप कर रहा था, केवल देख रहा था, झांक रहा था, झांकने की कंप्लेंट आई है। और जब और किसी छात्र ने उसको देखा उसके बाद क्या हुआ कि जब भी ये घटना हुई तो फोन हमारे कर्मचारी के पास आया और वो साथ में था मेरे कर्मचारी, मैं हॉस्टल के राउंड पे था। इमीडिएट 10 मिनट के अंदर मैं हॉस्टल पहुंच गया, मैडम चीफ वार्डन गर्ल्स हैं उनको भी लिया। मैंने कहा मैडम आपके यहाँ घटना हो गई, हम वहाँ गए 10-15 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुंच गए, बस तब तक वो कर्मचारी वहाँ से चला गया। गर्ल्स हॉस्टल की घटना है और वहाँ पर एक एजेंसी को चूंकि सफाई का कार्य सौंपा गया है उस एजेंसी के किसी कर्मचारी को उन्होंने वहाँ सफाई के लिए भेजा था, और छात्रा ने लिखित में भी शिकायत की है कि वो जब नहा रही थी तो उसने कुछ उसका वीडियो बनाया है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उसके बाद लगातार चीज़ों पर ध्यान रखा गया है और आज हम उस पर बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूरे हमारे विश्वविद्यालय की है। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।